ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स। अरे रुको रुको, मैं किसी गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस बाइक के फीचर्स के बारे में। जी हाँ, तो मैंने आपको जो भी फीचर्स बताए ना, वो आपको TVS की इस RTR 310 में मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बाइक के बारे में, जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस बाइक में। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बेस मॉडल शुरू हो जाता है 2.49 लाख रुपीज से एंड टॉप मॉडल की कीमत जाती है 2.72 लाख रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली। एंड बात करें ऑन रोड कीमत के बारे में, तो ऑन रोड आते आते इसकी कीमत लगभग पड़ जाती है 3,20,000 रुपए दिल्ली NCR रीजन में। बाकी अगर आप अपने शहर की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं इस बाइक की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एरिया टाइप कर दीजिए, मैं आपको ऑन रोड कीमत का आइडिया दे दूंगा। तो भाई ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड बाइक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको इस बाइक में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ, अगर आप भी जानना चाहते हैं TVS Apache RTR 310 के बारे में सारी डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं डिटेल में TVS Apache RTR 310 के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो भाई अगर एक वर्ड में मैं इस बाइक को डिस्क्राइब करूँ ना, तो ये पॉकेट रॉकेट बाइक है भाई। आप थ्रॉटल देंगे और ये बाइक भागने को तैयार हो जाएगी। और बाकी स्टाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी अग्रेसिव स्टाइल मिलता है। तो स्टाइल के मामले में, फीचर्स के मामले में तो 10/10 है ये बाइक। बाकी डिटेल में बात करें इस बाइक के बारे में, तो सबसे पहले हम फ्रंट से शुरुआत करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यह है बाइक की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर ORVMs आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलते हैं, ब्लैक कलर फिनिशिंग के आपको ORVMs मिलेंगे, जो कि डिसेंट फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करते हैं जब भी आप इस बाइक को चलाते हैं। तो नंबर प्लेट का प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें टर्न इंडिकेटर्स के बारे में, तो भाई आगे बढ़ने से पहले, अभी एक बाइक लॉन्च हुई है जिसमें ये सेम डिज़ाइन के टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो वो बाइक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी भाई LED आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, RTR 310 का यहाँ पर आपको बैज मिल जाता है। एंड हेडलैम्प असेंबली में ये आप देख सकते हैं ट्राई कलर इंडियन लोगो मिलता है। नेक्स्ट बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो भाई इस बाइक में आपको भाई LED ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जनरली हमने आज से पहले सिर्फ गाड़ियों में देखा होगा, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो इस बाइक में दिए गए ना, वो तो हमने लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में ही देखा है। तो क्या है, डिटेल में बात कर लेते हैं उस फीचर के बारे में। तो भाई ये जो बाइक है ना, वो बाइक की स्पीड के अकॉर्डिंग हेडलैम्प्स का थ्रो और ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं स्प्लिट टाइप की LED DRS मिल जाती हैं, डुअल हॉर्न मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसका थ्रो दिखा देता हूँ हेडलाइट्स का। तो ये आप देख सकते हैं स्प्लिट DRS मिलती है, एंड साथ ही साथ ये हैं इसके हेडलैम्प्स। बाकी बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको 41mm गोल्डन पेंटेड USD फॉक्स सस्पेंशन सेटअप मिल जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये फ्रंट मडगार्ड डुअल टोन फिनिशिंग में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। नेक्स्ट बात करें व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8-spoke ब्लैक कलर फिनिशिंग में 17 inches के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स आप देख सकते हैं, 300mm के आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, और साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको इस बाइक की डायमेंशंस बता देता हूँ। इस बाइक की लेंथ है 1991mm, विड्थ 831mm और हाइट 1154mm है। तो ये आप कंप्लीट साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। डुअल टोन आपको ग्राफिक्स सिर्फ बाइक की बॉडी पर ही नहीं बल्कि व्हील्स में भी मिल जाएंगे। फ्रंट में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिनिशिंग के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड रियर में येलो कलर फिनिशिंग के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ये आप देख सकते हैं एक बार क्लोजर लुक फ्यूल टैंक का, यहाँ पर आपको TVS का 3D लोगो मिल जाता है, ट्रिपल टोन ग्राफिक्स मिलते हैं ब्लैक सिल्वर एंड येलो। अगर आपको येलो कलर पसंद नहीं है, तो आपको कलर किट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर सीपांग ब्लू कलर के भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा RTR 310 में। 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। नेक्स्ट बात करें इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिलता है, जो कि मोड के हिसाब से पावर एंड टॉर्क को निकालता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको 5 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। तो जो आपका अर्बन एंड रेन मोड है, वहाँ पर 27.1 PS की पावर एंड 27.3 Nm का टॉर्क मिलता है। और जो स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो मोड है,
वहाँ पर ये बाइक 35.6 PS की पावर एंड 28.7 Nm का टॉर्क निकालती है। ये बाइक 0 टू 60 जाती है 2.81 सेकंड में एंड 0 टू 100 7.19 सेकंड्स में। 800 mm की सीट हाइट मिलती है एंड ये आप देख सकते हैं स्प्लिट टाइप की आपको सीट्स मिलती हैं। एंड अगर आप डायनेमिक प्रो किट खरीदेंगे तो आपको ये सीट्स में वेंटिलेशन का फंक्शन मिल जाएगा, 3 लेवल आपको कूलिंग एंड हीटिंग का फीचर मिलेगा। बाकी पिलियन पैसेंजर्स के लिए आप देख सकते हैं स्प्लिट टाइप के आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, 6 स्पीड गियर यूनिट मिलती है जो कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं वाइट कलर फिनिशिंग का ये ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। तो ये ट्रेलिस फ्रेम काफ़ी लाइट वेट है जिसकी वजह से आपको बेस्ट इन क्लास पावर टू वेट रेशियो मिलता है, 0.15 किलोवाट पर केजी का पावर टू वेट रेशियो मिलता है इस बाइक में। ये आप देख सकते हैं फुटपैक्स, फ्रंट राइडर के लिए यहाँ पर आपको रबड़ की पैडिंग मिल जाएगी एंड ये मेटल टाइप का आपको फुटपैक मिलेगा पिलियन पैसेंजर्स के लिए। रेड कलर फिनिशिंग में आपको KYB के मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप मिल जाएगा एंड ये आप देख सकते हैं सिंगल पाइप सिंगल बॉडी टाइप एग्जॉस्ट मफलर, यहाँ पर आपको ये मेटालिक कवर मिलता है। रेयर व्हील के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 240 mm के डिस्क टाइप ब्रेक्स मिलते हैं, 150 सेक्शन के टायर्स मिल जाएंगे। ये आप टायर प्रोफाइल देख सकते हैं 150/60 R17 मिशलिन के टायर्स मिलते हैं जो कि ग्रिप के मामले में भाई एक नंबर है। तो ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल के बारे में और चलिए बात करते हैं रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो भाई यहाँ मैंने आपको बता दिया स्प्लिट टाइप के ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो कि पिलियन पैसेंजर्स के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं क्योंकि भैया पॉकेट रॉकेट बाइक है, जब आप थ्रॉटल देंगे ना तो ये बाइक ऐसा लगता है नीचे से निकल ही जाएगी, तो भाई पिलियंस को इनको पकड़ के ही बैठना होगा। बाकी TVS की ब्रांडिंग एंड ये आप टेल लाइट्स देख सकते हैं, LED टेल लाइट्स मिलती हैं एंड यहाँ पे भी भाई जो टेल लाइट्स हैं वो डायनेमिक टेल लाइट्स मिलती हैं, मीन्स आपकी ब्रेकिंग के हिसाब से ये इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो ये फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे ताकि जो पीछे व्हीकल आ रहा हो उसको पता चल जाए कि आपने पैनिक ब्रेकिंग करी है। बाकी आप देख सकते हैं अगेन टर्न इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट का प्रोविज़न यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी गार्ड का डिज़ाइन कितना स्टाइलिश, यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिलता है। नेक्स्ट बात करें हैंडल बार के बारे में तो आपको स्पोर्टी टेपर्ड हैंडल बार मिलता है, तो आप हैंडल बार देख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको जो राइडिंग पोजिशन मिलती है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। वैसे स्पोर्टी काइंड ऑफ आपको एग्रेसिव राइडिंग पोजिशन मिल जाती है जब आप इस बाइक को राइड करते हैं। तो बाकी फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया जो RVMs हैं वो डिसेंट फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करते हैं। यहाँ पे आपको 4 लेवल की एडजस्टमेंट मिलती है लीवर्स में, तो आप इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। बाकी भाई फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो ये तो पास लाइट के लिए स्विच हुआ एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है जो कि अब TVS ने जो RR 310 लॉन्च करी है ना वहाँ पर भी ये फ़ीचर दे दिया है। तो पहले ये RTR 310 में आता था, तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। हैज़ार्ड लाइट के लिए डेडिकेटेड बटन मिलेगा, ये 4 आपको बटन्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एडजस्ट करने के, ये एंटर अप डाउन एंड बैक, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर एंड इस टाइप का आपको हॉर्न मिलता है। यहाँ पर आपको ये स्मार्ट बटन मिलता है तो किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट का यहीं पर आपको इंटीग्रेटेड ये बटन मिल जाएगा। बाकी बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, उससे पहले ये आप देख सकते हैं ये है RTR 310 की फॉब। जैसे ही आप की को इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पर आपको 5 इंच का कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि हमने RR 310 में देखा है, सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, वहाँ पर वर्टिकल मिलता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपको मिल जाएगा। बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं क्लॉक मिल जाएगी, टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका जो मोड है वो डिस्प्ले हो जाता है, डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, ये न्यूट्रल अभी न्यूट्रल पे है बाइक तो उसकी इंडिकेशन मिलेगी। बाकी गियर पोजिशन इंडिकेटर और साथ ही साथ गियर शिफ्ट एडवाइज़र भी आपको मिलता है। बाकी इंजन कूलेंट टेम्परेचर फ्यूल लेवल इंडिकेशन एंड ये सारे यहाँ पर आपको स्टैट्स मिल जाते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले राइडिंग मोड्स, यहाँ पर आपको 5 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक एंड सुपर मोटो। सुपर मोटो मोड में जो बाइक का रेयर ABS है वो कट ऑफ हो जाता है एंड आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। ट्रिप डिटेल्स के बारे में बात करें तो 3 आपको ट्रिप मीटर मिल जाते हैं। माई व्हीकल में आपको सर्विस कब ड्यू है वो पता चल जाएगी, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, 3 आप डॉक्यूमेंट्स इसी बाइक में सेव कर सकते हैं, बाइक की RC, पॉल्यूशन, अपना लाइसेंस। प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो डायनेमिक आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं तो उसको आपको ऑन या ऑफ रखना है, ऑटोमेटिक पे सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं, DRS को आप ऑफ रखना चाहें या ऑटोमेटिक पे रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है। बाकी क्विक शिफ्टर मिल जाएगा,
कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो आप अपने फ़ोन को इस बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड राइडिंग स्टैट्स, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका राइडिंग पैटर्न कैसा था, गियर शिफ्टिंग पैटर्न कैसा था, वो सब कुछ आपको ऐप में शो हो जाएगा। बाकी इनकमिंग कॉल एंड SMS अलर्ट आपको मिल जाता है, कॉल आएंगी उसको आपने रिसीव करना है, रिजेक्ट करना है, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। कस्टम विजेट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले सेटअप, आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लॉक डेट, डे एंड नाइट मोड, स्पीड अलर्ट, आप यानी कि स्पीड को भी सेट कर सकते हैं कितने पे अलर्ट आएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएंगे। तो भाई फीचर्स के मामले में मैंने बोला ना, ये फुल्ली फीचर लोडेड बाइक है। तो ये थी TVS की RTR 310, जिसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में बात करी। वीडियो को एंड करने से पहले चलिए मैं आपको राइडिंग पोस्चर भी दिखा देता हूँ कि अगर आप इस बाइक को राइड करेंगे तो किस टाइप का आपको राइडिंग पोजीशन मिलने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं, आपके पैर आराम से फ्लैट आ जाते हैं। मेरी हाइट है 5'9", और इस तरीके का राइडिंग ट्रायंगल बनता है जब आप इस बाइक को राइड करेंगे। तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है, लेकिन भाई यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो फीचर मिलता है ना, उसकी वजह से लॉन्ग राइड करना इस बाइक पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तो बात हुई राइडिंग पोस्चर के बारे में, एक बार फिर से देख सकते हैं राइडिंग पोस्चर। और चलिए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। तो आइडलिंग कंडीशन में इस तरीके का आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है। और चलिए थोड़ा सा रेव करते हैं। तो मैंने आपको TVS RTR 310 के सारे फीचर्स बता दिए। तो आपने देखा ना, इसका जो स्टॉक वर्जन है वो भी ऑलरेडी काफ़ी फीचर लोडेड मिलता है आपको। लेकिन अगर आप अभी भी इन फीचर्स से खुश नहीं हैं और आप अपनी बाइक में और ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं, तो TVS ने आपको एक बिल्ट टू ऑर्डर का फीचर दिया है, जहाँ पर आपको दो एडिशनल किट्स मिल जाएंगी जो कि आप अपनी बाइक में एड ऑन करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाती है डायनेमिक किट, जहाँ पर आपको फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन मिल जाएंगे, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, और जो आपकी चेन है ना वो ब्रास कोटेड चेन मिल जाती है। इस किट के लिए आपको 18,000 rupees पे करने पड़ते हैं। एंड बात करें सेकंड किट के बारे में, तो वो आपको मिलती है डायनेमिक प्रो किट, जहाँ पर आपको RTDSC यानी कि रेस ट्यून्ड डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ 5-6 एडिशनल फीचर्स लाइक कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो सीट्स मिलती हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको 3 लेवल्स हीटिंग और कूलिंग के मिल जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको एक कलर किट भी मिल जाती है। मीन्स अगर आप एक रेसिंग एंथुजियास्ट है ना और आप थोड़े से अलग कलर की RTR चाहते हैं, तो आपको सीपांग ब्लू कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 10,000 rupees और एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो भाई काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस RTR 310 में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो एंड कैसी लगी आपको TVS RTR 310, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।